जो आई एल ओ का कन्वेंशन नंबर नाइनटीन एट नाइन्टी एट है उसको रेटिफाई किया है और ये डील करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बारगेनिंग से रिस्पेक्टिवली पाकिस्तान हैज ऑल्सो रेटिफाइड माय डियर स्टूडेंट्स आई एल ओज ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन कन्वेंशन नाइनटीन सिक्स my dear students as regards these rights the province of punjab has promulgated the punjab industrial relations act 2010 and the objective of this very law is to regulate industrial relations and to facilitate registration of trade unions फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस जो हैं वो कॉरिस्पॉन्डिंगली एग्जिस्ट करेंगी माई डियर स्टूडेंट्स ये नोट किया गया है कि देर हैज बिन अ मशरूम ग्रोथ इन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द डिपार्टमेंट एनकरेजेस एंड फेसिलिटेट द यूनियनाइजेशन प्रोसेस जो कन्वेंशन नंबर 87 सेवन ऑफ आई एल ओ है और कन्वेंशन नंबर नाइनटीन एट ऑफ आई एल ओ है वो दो बातों को प्रमोट करता है एक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दूसरा कलेक्टिव बारगेनिंग और इस जिमन में जो पंजाब का प्रोविंस है उसने इंडस्ट्रियल द पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट दो हज़ार दस जो है वो प्रोमिलगेट किया है और जो के प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिव बारगेनिंग को और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के राइट को और यह नोट किया गया है कि पंजाब में मशरूम ग्रोथ ऑफ यूनियंस हुई है और यूनियंस के जरिए से जो वर्कर्स हैं वो कलेक्टिव बारगेनिंग भी इंप्लाय के साथ कर सकते हैं यू वुड बी एनलाइटन टू नोट दैट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 सेवनटीन एटीन रिमार्केबल इंक्रीज जो है वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूनियंस में देखने में आई है पंजाब के जिमन में माइड्रेड स्टूडेंट्स जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं देता जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट या दूसरी असेंशियल सर्विसेज जो पाकिस्तान में हैं जिनका पर्पज़ मैसेज को हार्डशिप्स में सर्विसेज देना है वो सिर्फ यूनियन नहीं बना सकते बाकी सब लोग यूनियन बनवा सकते हैं तो लॉ कहता है कि देर इज एबसल्यूट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड टू कलेक्टिवली बारगेनिंग एज फ्रीली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द पंजाब इंडस्ट्रियलेशन एक्ट दो हजार दस गारंटीज इस जिमन में यह भी बताना चाहूंगा कि पंजाब में रजिस्ट्रेशन ऑफ होम बेस्ड वर्कर्स जो है वो यूनियन से रिलेटेड एक्टिव हैं और यूनियंस उनकी रजिस्टर्ड हो रही हैं एफर्ट्स पॉलिसी में ये बात की जा रही है कि एफर्ट्स किए जाएंगी और ऐसी एफर्ट्स जो कि अनअबेटेड हों ताकि जो वर्कर्स हैं उनमें यूनियनिज़्म को प्रोक दिया जाए और कलेक्टिव बारगेनिंग के राइट right को एस्टेब्लिश किया जाए जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो इस बात पर फोकस है कि जो एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी है वो वक्त की जरूरत है और गवर्नमेंट जो है वो दोनों को दोनों के राइट्स यानी वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी थ्रू दी प्रोमोगेशन ऑफ राइट पॉलिसीज एंड लॉज जो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो सारी बातें आपसे की हैं ये सारी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं और माय डियर स्टूडेंट्स जो पंजाब लेबर पॉलिसी टू थाउजेंडी है वो कहती है कि प्रमोट किया जाएगा हेल्दी ट्रेड यूनियंस को और फैसिलिटेट की जाएंगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ताकि यूनियनिज्म हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो और कलेक्टिव बारगेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैब्लिश हो ताकि वर्कर्स के राइट्स जो हैं वो अचीव किए जा सके इस जिम्मन में जो पंजाब की लेबर पॉलिसी है वो कहती है कि डायलॉग्स विद सोशल पार्टनर्स किया जाएगा ताकि पॉलिसी के स्कोप और कवरेज को बढ़ाया जा सके माय डियर स्टूडेंट्स पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड टेन जो है उसको इन स्ट्रिक्ट सेंस इंप्लीमेंट किया जाए और फोकस किया जाए कि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कलेक्टिव बारगेनिंग का राइट right है वो सब स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल हो लास्ट में ये बात है कि पॉलिसी जो पंजाब की लेबर पॉलिसी 2018 है वो कहती है कि इंश्योर किया जाएगा वर्कर्स की जेनवन पार्टिसिपेशन इन द ट्राई पार्टाइट कमेटीज जो कि इस पॉलिसी के तहत क्रिएट की जाएंगी प्रोविंस ऑफ तो पंजाब में होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडीड।